अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 6 दिसंबर को काला दिवस मनाने का मामला तूल पकड़ रहा है। हिंदूवादी संगठन ने कहा कि एएमयू में हिंदुत्व की भावना को आहत करने को लेकर प्रदर्शन होता है, इसके लिए वहां कुलपति जिम्मेदार है। हिंदूवादी संगठनों ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रहा है, लेकिन एएमयू में 6 दिसंबर को लेकर हिंदू भावनाओं को आहत पहुंचाने का काम किया जा रहा है। पहले हिंदूवादी संगठन एएमयू कूच कर रहे थे, लेकिन पुलिस की सख्ती के चलते हिंदूवादी संगठनों ने अचल ताल पर ही बैठक की और निर्णय किया कि मंगलवार को सभी हिंदूवादी संगठन एसपीसीटी को ज्ञापन देकर एएमयू में काला दिवस मनाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग करेंगे। वहीं हिंदूवादी नेता आदित्य पंडित ने कहा कि मजबूरी में क्रिया की प्रतिक्रिया करनी पड़ रही, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को भी गलत बताया जा रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। देखिए, अभी 6 दिसंबर को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद निर्माणाधीन भगवान श्री राम के मंदिर का विरोध करते हुए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कैंपस में वहां के छात्रों ने सनातन धर्म के विरोध में नारेबाजी की, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी पर अमर्यादित टिप्पणी की और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का अपमान किया और बाबा साहेब की पुण्यतिथि के अवसर पर निश्चित रूप से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के उक्त लोगों का कृत्य देश विरोधी कृत्य है। हम लोगों के द्वारा एक प्रार्थना पत्र उक्त देश विरोधी लोगों पर कार्रवाई करने के लिए थाना क्वारसी में दिया गया, लेकिन बड़ा दुखद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से हमने अनुरोध पूर्वक कहा कि आप ऐसे लोगों को चिन्हित करिए और अलीगढ़ पुलिस के सुपुर्द करके एक मिसाल पेश करने योग्य कार्रवाई आप लोग कराइए, लेकिन कोई भी कार्रवाई अभी तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के उन माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अपमान करने वाले, हिंदू धर्म के विरोध में नारेबाजी करने वाले, प्रदेश के मुख्यमंत्री पर अमर्यादित टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। आज उसी के परिप्रेक्ष्य में कितने यहाँ हिंदू समाज की एक महापंचायत पर अग्रिम रणनीति बनाने को लेकर के एक आवश्यक महापंचायत का आयोजन किया गया है। कितने संगठन हैं आपका? देखिए, अभी हम लोग प्रशासन को 2 दिन का समय देंगे और सोमवार तक हम लोग इस कार्रवाई का इंतजार करेंगे कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इंतजामिया अलीगढ़ पुलिस को उन लोगों को चिन्हित करके सुपुर्द करके और अलीगढ़ पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजे, अन्यथा की स्थिति में मंगलवार को प्रातः 11 बजे अलीगढ़ पुलिस के एसपीसीटी महोदय के कार्यालय पर जाकर के हजारों की संख्या में राष्ट्रवादी लोग वहां बैठ करके ऐसे देश विरोधी लोगों पर कार्रवाई कराने हेतु प्रतिबद्ध रहेगा, क्योंकि किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लाखों करोड़ों युवाओं के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, करोड़ों युवाओं के नेता हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अपमान, हिंदू धर्म के विरोध में धार्मिक नारेबाजी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की धरती पर किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि मंगलवार को स्वर्ण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अभी हम लोग पुलिस के अधिकारियों से वार्ता करके एसपीसीटी कार्यालय पर जाकर के हम लोग पुलिस के अधिकारियों से ऐसे तमाम सारे विधर्मियों पर कार्रवाई हेतु उनको गिरफ्तार करने की मांग करेंगे। उसके बाद अग्रिम रणनीति, यदि गिरफ्तारी नहीं होती हम और समय प्रशासन को देंगे, उसके बाद अग्रिम रणनीति हम लोग जहां काला दिवस मनाया गया था उसी स्थान पर हम लोग अलीगढ़ का राष्ट्रवादी युवा शौर्य दिवस मनाने का काम निश्चित रूप से करेगा। एएमयू में करेंगे अमित, एएमयू में आप छात्र नेता हो, अलीगढ़ मुख्यमंत्री से निर्णय लिया गया है मंगलवार में 11 बजे एसपीसीटी कार्यालय का कूच करेंगे और वहाँ हमारी एकमात्र मांग रहेगी जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो, गिरफ्तारी हो, जेल भेजा जाए, अन्यथा की स्थिति में बाकी जितना हिंदू समुदाय वो फिर आगे के कदम के लिए बाध्य होगा, जिसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। किस तरीके का कदम रहेगा आगे? क्यों करेंगे ऐसा? मजबूरी हो जाएगी, जब क्रिया की प्रतिक्रिया तो करनी पड़ेगी भाई। जब प्रशासन अगर उन पर कार्रवाई नहीं करेगा, जो हमारे श्री राम को लेकर ये इस प्रकार की टिप्पणी करेगा, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को भी वो गलत बताएंगे और संविधान को मुर्दाबाद कहेंगे, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए बाध्य होंगे। की गई थी क्या, कुछ उद्देश्य है इसका? विगत 2 दिवस पहले 6 दिसंबर को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में काला दिवस मनाया गया। जैसे कि सभी को ज्ञात है कि शौर्य दिवस के रूप में उसे मनाते आ रहे थे, लेकिन जिस तरह से माननीय न्यायालय का फैसला आया राम मंदिर के पक्ष में, उसके बाद से शौर्य दिवस की या काले दिवस की उपयोगिता ही शून्य हो गई थी। और ये तय हुआ था ना शौर्य दिवस मनाया जाएगा ना काला दिवस मनाया जाएगा। जब भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है न्यायालय के आदेश पे, तो इस तरह काला दिवस मनाकर देश में अशांति फैलाने का कार्य जो किया जा रहा है, उसके विरोध में आज एक बैठक का आयोजन यहाँ किया गया है। और ये हम लोग विचार कर रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं बार बार पुनरावृत्ति क्यों होती हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में। वो एक पढ़ने की संस्था है, एक शिक्षण संस्था है,
लेकिन वहाँ पर राजनीतिक विषय को छेड़ा जाता है, वहाँ पे हिंदुत्व की भावना को आहत करने के विषय को छेड़ा जाता है, तो पुनरावृत्ति क्यों होती है? इसके लिए वहाँ का प्रशासन भी जिम्मेदार है, चाहे वो प्रोक्टर हो या रजिस्ट्रार हो, जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं वो पल्ला क्यों झाड़ लेते हैं, कठिन से कठिन कार्रवाई क्यों नहीं करना? एक बार महन जी, आज आपके द्वारा क्या क्या रणनीति बनाई गई है, आगामी क्या कदम रहेगा? हम लोग बैठे हैं, सबके विचार जाने हैं और एक हम लोग मिलकर एक समिति बनाकर अब जैसे कि उन्होंने FIR कराई है और समय दिया 72 घंटे का, 72 घंटे का समय पूर्ण हो जाएगा, उसके उपरांत हम अपनी जो भी कार्य करेंगे उसके विचार करेंगे। कितने संगठन के लोग शामिल हुए हैं इसमें? अभी संगठनों को जोड़ा गया है, रणनीति अभी हम लोग बना रहे हैं, अभी तो सहमति ली है कौन कौन इस संघर्ष में शामिल होगा, ताकि इस विषय का पटाक्षेप किया जाए। हम लोग शांति से रहना चाहते हैं अलीगढ़वासी, तो बार बार इस विषय को क्यों छेड़ा जाता है, किस क्यों अशांति फैलाने का कार्य किया जाता है, क्यों एक शिक्षण संस्थान में हिंदू धार्मिक भावना को पुनः पुनः आहत किया जाता है, आतंकवादियों को प्रोत्साहित किया जाता है, इस विषय का पटाक्षेप होना चाहिए, यही हमारी कामना है। ठीक है।